भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं, वीरों की इस भूमि को प्रणाम करता हूं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना बलिदान किया, मुगल काल में भी बलिदान किया, अंग्रेजों के काल में भी अपना बलिदान किया, और उनके बलिदान के कारण हम भी गमछा पहने हुए हैं, तिलक लगाए हुए हैं। अगर उन्होंने अपना बलिदान नहीं किया होता तो ना आपके माथे पे तिलक होता, ना हमारी बहनों के माथे पे सिंदूर होता, ना हमारे हाथ में कलावा होता, ना आपके हाथ में कलावा होता। तो सबसे पहले अपने पूर्वजों को प्रणाम करते हैं जिनकी वजह से आज हमारी पहचान बनी हुई है। पटेल की पहचान, जैन की पहचान, गुप्ता की पहचान, पंडित की पहचान, जोशी की पहचान, हमारी आइडेंटिटी बची है। तो हमारे कारण नहीं, किसके कारण बची हुई है? आज का विषय आपने रखा है एक भारत श्रेष्ठ भारत। छोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय है, मतलब लगभग एक सप्ताह का विषय है। भागवत कथा एक सप्ताह चलती है ना, तो ये एक एक भारत श्रेष्ठ भारत ही पूरा एक सप्ताह का विषय है। क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए, एक भारत सर्वोत्तम भारत बनाने के लिए, एक भारत सबल भारत बनाने के लिए, एक भारत साक्षर भारत बनाने के लिए, सशक्त भारत बनाने के लिए, समावेशी भारत बनाने के लिए, समृद्ध भारत बनाने के लिए एक नहीं, कम से कम 20 कानून बनाने पड़ेंगे। तो उन सारे कानूनों पर चर्चा करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आज फिर भी जितना समय इजाजत देगा, क्योंकि ट्रेन तो अपने टाइम पे आएगी और यहां से पालनपुर जाने में भी 45 मिनट तो लगेगा, एक घंटा लगेगा, तो कोशिश करते हैं कि जितनी बात हो जाए। आप सब लोग सुनने आए हैं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, बच्चों को अपना स्नेह भेंट करता हूं, बहनों को प्रणाम करता हूं। विशेष रूप से बहनें बड़ी संख्या में आई हैं और हमें अच्छा लगा कि बहनें आई हैं। कई बार मैं देखता हूं कि पुरुष तो आ जाते हैं लेकिन बहनों को लेके नहीं आते, लेकिन यहां बच्चों की थोड़ी संख्या हमें कम लग रही है। इस तरीके के कार्यक्रम बर्थडे मनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बर्थडे मनाते हैं तो हम परिवार के साथ जाते हैं, परिवार में रिश्तेदार में शादी विवाह होता है तो हम परिवार के साथ जाते हैं, घूमने जाते हैं तो परिवार के साथ जाते हैं। तो ये जो कार्यक्रम है इस तरीके का, खासतौर पे जो मेरा अपना कार्यक्रम है, ये आपके घूमने जाने, विवाह संस्कार, जन्मदिन से लगभग अगर कम नहीं है तो, ज्यादा नहीं है तो कम भी नहीं, उतना ही महत्वपूर्ण है। आगे से निवेदन है जब कभी ऐसा कार्यक्रम हो तो परिवार के साथ आइए, क्योंकि यहां जो लोग बैठे हुए हैं हमको लगता है कि इनको सबको पता है, आप सबको पता है कि भारत के सामने क्या क्या खतरे हैं, अगले 5 साल में कौन से खतरे हैं, अगले 10 साल में कौन से खतरे हैं, पहले कौन से खतरे थे, आने वाले टाइम में कौन से खतरे हैं। लेकिन जिनको नहीं पता वो हमारे बच्चे हैं, जो 10वीं में पढ़ते हैं, 12वीं में पढ़ते हैं, कॉलेज में गए हैं, या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या मेडिकल कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे कार्यक्रमों में जहां कुछ नियम कानून की बात हो, संविधान की बात हो, वहां परिवार के साथ जाना चाहिए। दो फायदा होता है, पहली बात तो यह कि इसी बहाने थोड़ा थोड़ा नियम कानून के बारे में सबको पता चल जाता है। दूसरा फायदा यह होता है कि हमारे सामने चैलेंजेस क्या है इसके बारे में भी सबको पता हो जाता है। आप सब आए हैं, बहुत बड़ी संख्या में बहनें आई हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आप लोग अकेले नहीं आए हैं, बहनें सामने बैठी हैं। ड्राइवर बहुत अच्छा हो लेकिन गाड़ी खराब हो, यात्रा सुरक्षित हो सकती है क्या? जोर से बोलिए जरा, हो सकती है?
अगले एक घंटे तक याद रखिए, जब भी कुछ भी मैं पूछूं तो एकदम पीछे से इतनी तेज आवाज आनी चाहिए कि आपकी आवाज यहां तक पहुंचे। हमारी आपकी चर्चा जो डीसा में हो रही है 3 से 4 करोड़ लोगों तक, हो सकता है 5 करोड़ लोगों तक जाए। सामान्यतया इतने लोग देखते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डीसा की आवाज, हमारी आवाज तो आए लेकिन आपकी आवाज ना आए। डीसा में कार्यक्रम हो रहा है ये लक्षद्वीप के लोगों को भी पता चलना चाहिए, कर्नाटक के कलबुर्गी में भी पता चलना चाहिए। ड्राइवर अच्छा हो लेकिन गाड़ी खराब हो, यात्रा सुरक्षित हो सकती है क्या? डॉक्टर अच्छा हो, दवा घटिया हो, शरीर स्वस्थ हो सकता है क्या? खाना बनाना आता हो बहनों को लेकिन तेल मसाला खराब हो, अच्छा खाना बन सकता है क्या? मिस्त्री अच्छा हो लेकिन उसका मटेरियल खराब हो, बिल्डिंग मटेरियल, अच्छा घर बन सकता है क्या? वैसे ही शासक बहुत अच्छा हो लेकिन नियम कानून खराब हो तो कोई भी समस्या ठीक नहीं होती। ना घूसखोरी खत्म होती है, ना जमाखोरी खत्म होती है, ना मिलावटखोरी खत्म होती है, ना कालाबाजारी खत्म होती है, ना नशा तस्करी खत्म होती है, ना मानव तस्करी खत्म होती है, ना जासूसी खत्म होती है, ना गद्दारी खत्म होती है, ना धर्मांतरण रुकता है, ना जिहाद रुकता है, ना सरतन से जुदा रुकता है, ना अवैध निर्माण रुकता है, ना आतंकवाद रुकता है, ना अलगाववाद रुकता है, ना कट्टरवाद रुकता है, ना माओवाद रुकता है, ना नक्सलवाद रुकता है, कोई समस्या ठीक नहीं होती। डॉक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है दवा, अच्छी तरीके समझिए। डॉक्टर अच्छा नहीं होता, अच्छा क्या होता है? दवा। क्योंकि डॉक्टर आपके अंदर नहीं जाता, अंदर क्या जाती है? दवा। यह हमें गलत फहमी है कि डॉक्टर बहुत बढ़िया है, ना, अंदर क्या जाती है? दवा। अच्छा मान लो आपको अगर बुखार हो जाए, आप गए डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने 2 दवाइयां दे दिया, आपने खाया और 1 हफ्ते तक बुखार नहीं उतरा, फिर क्या करोगे आप? जोर से बोलिए जरा। डॉक्टर बदल दिया, अगले डॉक्टर ने वही 2 ही दवा दिया, फिर डॉक्टर बदलेंगे, अगले डॉक्टर ने फिर वही दवा दे दिया, तो फिर दवा तो आपको बदलना नहीं, दवा किसको बदलना है? डॉक्टर को। और डॉक्टर दवा बदल ही नहीं रहा, दवा आपको नहीं बदलना, आप तो बीमार हो। अरे कभी एक बार तो जाके बोलोगे डॉक्टर साहब कैसी दवा दे रहे हो, बुखार तो ज्यों का त्यों है, दवा बदलो। और याद रखिए दवा और कानून एक तरीके से काम करता है। जैसे बुखार है और जल्दी से अगर ठीक नहीं हुआ, 2 दिन 3 4 दिन में ठीक नहीं हुआ, लंबा चला बुखार तो टाइफाइड भी हो सकता है, निमोनिया भी हो सकता है, 1-2 महीने चला तो टीबी भी हो सकती है, 1-2 महीने चला तो जान भी जा सकती है। वैसे कोई भी समस्या जितने जल्दी ठीक हो जाए उतना अच्छा है, अगर कोई समस्या लंबी चलती है तो मल्टीपल टाइम बढ़ती चली जाती है, मल्टीपल टाइम बढ़ती चली जाती है। एक व्यक्ति ने आपके मोहल्ले में सड़क के किनारे अवैध निर्माण किया, उसको 20 साल की सजा हो गई, दोबारा कोई अवैध निर्माण नहीं करेगा। एक व्यक्ति ने अवैध निर्माण किया, उसको कुछ नहीं हुआ, देखते देखते आपके पूरे शहर में अवैध निर्माण हो जाएगा। इसलिए मैं पहले तो इंजीनियर था, आजकल वकील हो गया हूं, लेकिन मेरा यह मानना है ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई, जोर से बोलिए, ऐसी कोई बीमारी नहीं और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं, हर चीज का इलाज है। और आप देखिए हमारे वैज्ञानिक चंद्रयान लॉन्च किए कि नहीं, बोलिए, मंगल की तैयारी हुई कि नहीं, 108 सैटेलाइट एक साथ छोड़ा कि नहीं, 7,500 किलोमीटर मार करने वाली अग्नि मिसाइल बनाई कि नहीं, परमाणु बम बनाया कि नहीं, जबकि कोई भी और देश
अपने परमाणु बम का डिटेल गूगल पे नहीं डालता। कोई और देश अपने सैटेलाइट का डिटेल पब्लिक नहीं करता। परमाणु बम का डिटेल पब्लिक डोमेन में नहीं है, फिर भी भारत के वैज्ञानिकों ने परमाणु बम बनाया। चीन अपने मिसाइल का डिटेल पब्लिक डोमेन में नहीं डालता, अमेरिका कभी नहीं डालता, फिर भी हमारे वैज्ञानिकों ने अग्नि मिसाइल बनाई। फ्रांस अपने राफेल का डिटेल पब्लिक डोमेन में नहीं डालता, तो नहीं बनाए तो खरीद लिया, हमने राफेल खरीद लिया। लेकिन प्रत्येक देश का जो कानून है वो पब्लिक डोमेन में होता है, और आजकल तो अमेज़न पे भी बिकता है। ये मेरे हाथ में अमेरिका का फेडरल पिनल कोड है, जैसे भारत में इंडियन पिनल कोड है, ऐसे अमेरिका में क्या चलता है? फेडरल पिनल कोड। गूगल पे भी अवेलेबल है, थोड़ा पैसा खर्च करो तो अमेज़न से बुक करके अपने घर भी मंगा लो। लेकिन कानून बनाते समय हमने ये नहीं देखा कि अमेरिका में कौन सा कानून चल रहा है, फ्रांस में कौन सा कानून चल रहा है,